द सिम्पसंस एक ऐसा शो जो पिछले कई दशकों से कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है और इसका रीजन था फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। वैसे तो इसके कई प्रिडिक्शन सच साबित हुए हैं, बट अभी रिसेंटली टाइटन सबमरीन इम्प्लोजन वाली प्रिडिक्शन भी सच हुई थी। सिम्पसंस के एपिसोड में कुछ ना कुछ रहता है जो फ्यूचर में सच होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, और इनमें से ही एक इंसिडेंट की बात करें तो वो है ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स, जो सिम्पसंस में हमें कई बार देखने को मिला है लेकिन अभी तक इसे सच होते हुए नहीं देखा गया है। तो इट्स हाई चांस कि आगे आने वाले वक्त में वो प्रिडिक्शंस ज़ॉम्बीज को लेकर शायद सच साबित हो जाए। प्रिसाइजली हमें द सिम्पसंस में ज़ॉम्बी से जुड़े 3 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज का आतंक स्प्रिंगफील्ड सिटी में फैल चुका होता है। तो आज हम तीनों एपिसोड्स को क्लोजली एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमें इन एपिसोड्स के थ्रू फ्यूचर के क्या हिंट्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि कौन सा एपिसोड रियलिटी के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट अपीयरेंस से, जो द सिम्पसंस के 4th सीजन के 5th एपिसोड ट्री हाउस ऑफ द हॉरर 3 में देखने को मिलता है। ये एक्चुअली सिम्पसंस का हैलोवीन स्पेशल एपिसोड था। इसमें फाइनल पार्ट डायल जी फॉर ज़ॉम्बीज में सबसे पहले ज़ॉम्बीज का जिक्र हुआ था और ये वे बैक इन 1992 में एयर कर दिया गया था। देखो, सिम्पसंस की टीम काफी ज्यादा क्रिएटिव रही है, तो इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट भी रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड एंड नाइट ऑफ द लिविंग डेड से इंस्पायर था। इस एपिसोड में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जिसमें बार्ट हाथ में बुक लिए पढ़ रहा होता है। इस क्लास में सब बच्चों को बुक रीडिंग करनी होती है। इसमें बार्ट एक बच्चे की सबसे आसान बुक को पढ़ने के लिए उठा लेता है, जिसकी वजह से टीचर उसे पनिशमेंट में और अच्छी किताब लाकर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भेज देती है। वहां पर बार्ट को किताब तो मिलती है बट उससे वो जल्दी बोर हो जाता है। इस वजह से वो और अच्छे बुक्स को ढूंढने के लिए एक ऑकल्ट सेशन के सेक्शन में जाता है जहां हॉरर डार्क एंड एविल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कई सारे बुक्स उसे मिलते हैं। इन्हीं सब में से एक बुक मैजिकली उड़कर खुद बार्ट के सर से टकरा जाता है। अब बार्ट बुक खोलकर देखता है तो बुक से आवाज आती है कि ये शैतानी बुक है, बट बार्ट इग्नोर्स इट एंड उसे अपने साथ वो ले जाता है। वो घर में लीजा के साथ इस बुक को वो पढ़ने लगता है एंड उसे पता लगता है कि इस बुक से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। तो लीजा उसको बिल्ली को जिंदा करने को बोलती है जो रिसेंटली ही मारी गई थी। लीजा उसे जिंदा करने भाई के साथ पेट सेमेट्री में जाती है, जहां ये लोग ऑल्दो सिर्फ बिल्ली को जिंदा करना चाहते थे लेकिन सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करने के कारण ये कैट की जगह डेड बोल देते हैं, जिससे सभी ज़ॉम्बी जिंदा होकर अपीयर होने लगते हैं। ये जल्द ही कब्र से बाहर निकलकर सिटी की तरफ घूमने लग जाते हैं और जो जिंदा इंसान मिलता है उनके ब्रेन को खाने भी लगते हैं। धीरे धीरे ये ज़ॉम्बी सबको इन्फेक्ट करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज ने क्रस्टी को भी इन्फेक्ट कर लिया होता है और अब वो सिम्पसंस के घर के पास भी आते हैं, जिसे सबको घर प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब घर पर सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होमर था, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण गेट को बंद करना ही भूल जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। अब ये सबसे पहले होमर पर अटैक करते हैं लेकिन होमर के सर पर नॉक करने के बाद इन्हें अंदर से खोखले होने की आवाज आती है, तो ज़ॉम्बी से छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और होमर बच जाता है। मतलब कि यहाँ इधर होमर के पास दिमाग ही नहीं था, या फिर होमर का दिमाग टेस्टी नहीं लगा ज़ॉम्बीज को। अब लीजा यहाँ आइडिया देती है कि हो सकता है इसे रिवर्स करने का प्रोसेस भी लाइब्रेरी के किसी बुक में छिपा हुआ होगा, और बस पूरी फैमिली लाइब्रेरी पहुंचती है। ये रास्ता आसान नहीं था क्योंकि उन्हें स्कूल में जाते वक्त कई ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, शेक्सपियर और इवन जॉर्ज वॉशिंगटन की बॉडी रिजरेक्ट हो चुकी होती है। ये ऑकर्ट सेशन में पहुंचते हैं एंड इस ब्लैक मैजिक को रीसेट करने वाले मंत्र ढूंढ निकालते हैं और सब कुछ रिवर्ट कर देते हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बी चले जाते हैं और मैजिक खत्म हो जाती है। दूसरी बार इसका जिक्र होता है द सिम्पसंस के ट्री हाउस ऑफ हॉरर्स एपिसोड 13 के सेकेंड पार्ट द फ्राइट टू क्रीप एंड स्केयर हार्म्स में। इसमें बार्ट एंड लीजा अपनी गोल्डन फिश के कब्र के पास बैठे होते हैं, जिसे बाय बोलकर वो कब्रिस्तान से जाने लगते हैं। कब्रिस्तान में चलते हुए उन्हें एक विलियम एच बोनी नाम के शख्स की कब्र मिलती है, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी जब उसकी गोली लगने से मौत हो गई। उसके कब्र पर लिखा हुआ था कि वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जिसमें कोई भी बंदूक ना हो। जिस सोच को लेकर लीजा आगे बढ़ती और वेपन्स के बदले पैसे देने लगती है, जिसे स्प्रिंगफील्ड सिटी 100% गन फ्री हो चुका था। इनफैक्ट इस सिटी में पुलिस के पास भी गन नहीं बचा था, जिससे स्प्रिंगफील्ड कम्प्लीटली डिफेंसलेस हो गया। बस ऐसा होते ही बोनी की इच्छा पूरी हो जाती है और वो कब्र से जाग उठता है। लोग उसका हुलिया देख समझ जाते हैं कि वो ज़ॉम्बी के फॉर्म में लौटा है। स्प्रिंगफील्ड के लोगों को मालूम पड़ता है कि असल में विलियम एच बोनी एक डकैत था और गन स्लिंगर भी था। इसके बाद उसके दो और चिरपुंजी भी आते हैं जो स्प्रिंगफील्ड में पूरा गदर काटते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। ऐसे में प्रोफेसर फ्रिंक का दिमाग चलता है और वो एक टाइम मशीन बनाते हैं जिससे वक्त में पीछे जाकर इसे रोका जा सकता था, और होमर इससे एग्री कर जाता है। होमर जाता है पास्ट में और सभी को उनका गन वापस लौटा देता है और सभी कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। वहां जाकर सब कब्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और बोनी को वापस आकर तबाही मचाने से रोक लेते हैं। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें ज़ॉम्बी से रिलेटेड देखने को मिलती है 21st सीजन के एपिसोड 4th में, जिसमें क्रस्टी क्लाउन ने बर्गर स्क्वायर नाम का एक न्यू बर्गर लॉन्च किया होता है और इसी बारे में बातचीत करने के लिए एक जर्नलिस्ट केंट ब्रॉकमैन गया होता है। इस बर्गर को बनाने का तरीका बड़ा ही वियर्ड था।
इसमें बफ के मीट को बफ को खिलाया जाता है एंड देन उसके मीट से बर्गर बनाया जाता है। मतलब यहाँ कुछ नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी ही हो रही है। अब इसको ट्राई करते ही केंट को शुरू में तो ठीक लगता है बट जल्द ही वो जॉम्बी में बदल जाता है और क्रस्टी को काट लेता है और बस देखते ही देखते वहाँ लॉन्च में जॉम्बी एपोकलिप्स फैल जाता है। अब अगर तुम्हें पता हो तो दैट दिस इंसिडेंट इज एक्चुअली रियल, लेकिन वो कैसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल सिर्फ 28 दिनों के अंदर जॉम्बीज ने स्प्रिंगफील्ड को टेक ओवर कर लिया होता है और सिम्पसन्स घर में लॉक होकर सर्वाइव कर रहे थे। सब इतने डरे हुए थे कि बाहर से होमर के पापा भी उन्हें बुलाते हैं जो ट्रांसफॉर्म नहीं थे, तो होमर उनको एंट्री नहीं देता है। अब काफी दिन से अंदर रहने के कारण बार्ट काफी भूखा हो चुका था, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था सिवाय फ्रूट्स के। तो वो खिड़की से देखता है कि उस रेस्टोरेंट में एक बर्गर बचा हुआ है, तो बार्ट उसे लेकर खाने लगता है। अब उसे खाते हुए होमर देख लेता है तो होमर उसे मारता है थिंकिंग कि बार्ट जॉम्बी बन जाएगा, बट बार्ट जॉम्बी नहीं बनता। इस पर लीजा बताती है कि शायद बार्ट ही एंटीवायरस बना सकता है और उसकी बॉडी इम्यून है। इस पर होमर डॉक्टर को कॉल लगाता है और सब कुछ बताता है, तो डॉक्टर उसे सेफ जोन में जाने को बोलता है, लेकिन डॉक्टर इस बीच इन्फेक्ट हो चुका होता है। अब होमर कुछ खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज़ उसे मिल जाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, जिससे होमर को वापस घर में लौटकर आना पड़ता है। और इसे बचाने एक और अपू नाम का पर्सन वहां आ जाता है, जिसके पास सर्वाइव करने के लिए काफी सारे वेपन्स थे और जो अब सिम्पसन्स फैमिली को अपने साथ रखता है। आगे ने कुछ कार्स का पाइलअप मिलता है जहां अपू को उतरना पड़ता है और ज़ॉम्बीज उसे शिकार वहीं बना लेते हैं। आगे जाकर कार का फ्यूल खत्म होता है और होमर को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसके बाद ये किसी तरह सेफ जोन पहुंचते हैं। वहां सब बार्ट को खाने की बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन निकलता है कुछ और। कुछ वक्त बाद हमें सीन दिखता है कि स्प्रिंगफील्ड अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है एंड देन बार्ट हमें दिखता है जो उबलते हुए पानी में होता है और उसके पसीने से बन रहे खाने को सभी खा रहे होते हैं, मतलब कि उसके स्वीट ग्लैंड से सभी ठीक हो रहे थे। तो बेसिकली यही थी वो 3 एपिसोड्स जो हमें द सिम्पसंस में देखने को मिलते हैं ज़ॉम्बी से रिलेटेड। अब ऑल्दो इन सभी एपिसोड्स का कोई सरप्राइज नहीं था एंड ये क्रिएटिव सोच से बने थे, लेकिन जो सबसे लॉजिकल एपिसोड्स इसमें देखने को हमें मिला था वो थर्ड वाला ही है, क्योंकि इसमें वायरस की बात होती है, इम्यून्स की बात होती है एंड इसके अलावा इसमें जिस बफ से इन्फेक्शन होता हुआ दिखता है वैसे ही एक रियल लाइफ डिजीज एग्जिस्ट भी करती है, जिसका नाम है मैड काउ डिजीज, ऑल्सो नोन एज क्रूएट्सफेल्ड-जैकब डिजीज, जो कि इंसानों में भी शिफ्ट होता है। अब इस डिजीज में थोड़ा तो डिफरेंस है बट स्टिल इट्स गुड एंड इट्स समवे पॉसिबल कि ये वायरस म्यूटेट होकर फ्यूचर में कुछ उस जैसा बन भी जाए, जो हमें अभी पता नहीं चल पा रहा हो। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, यहाँ तक देख लियो तो कमेंट में सिम्पसन्स ज़ॉम्बी लिख देना एंड अगर तुम्हें मैड काउ डिजीज से रिलेटेड या सिम्पसन्स से रिलेटेड कोई और वीडियो देखनी हो तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।